नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में होली का त्यौहार है। ऐसे में प्रवासी बिहार के लोग अपने प्रदेश यानी कि बिहार आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार ने सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अब तो बस स्टैंड पर भी बिहार से बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखा जा रहा है। दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों से कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके साथ ही अगर उसमें कोरोना के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो कोरोना जाँच करने की भी बात कही गई है। इधर बिहार सरकार ने होली मिलन समारोह को भी रद्द कर दिया है और कहा है कि बिहार से बाहर से आने वाले लोग होम क्वारंटीन में रहें। ऐसे में आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना की क्या स्थिति रही। बिहार में पिछले 24 घंटे में 55,859 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 90 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 2,61,362 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 436 है। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं बिहार में जिले में कितने कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं। तो सबसे पहले बात अरवल की करते हैं। तो अरवल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 है, अररिया में 3, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 5, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 3, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, नवादा में 3, राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा 25, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, शिवहर में 1, सिवान में 4, सुपौल में 3, वैशाली में 2, पश्चिम चंपारण में 2, बांका में 0, बक्सर में 0, लखीसराय में 0 और शेखपुरा में भी कोई मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं अगर हम बिहार में वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, तो ऐसे में अब हम जान लेते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में क्या स्थिति है। तो बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से की जा रही है। बिहार में अगर हम पहले डोज की बात करें और उसके साथ साथ दूसरे डोज मिलाकर बात करें, तो 19 मार्च 2021 तक में 60,168 लोगों को वैक्सीन दी गई है। वहीं अगर हम अब तक के वैक्सीन की बात कर लें तो 17,85,718 लोगों को वैक्सीन दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में फर्स्ट डोज के बारे में कि फर्स्ट डोज में कितने लोगों को वैक्सीन दी गई है। तो 19 मार्च 2021 के अगर हम आंकड़े की बात करें तो इसमें पहले डोज में 19 मार्च को सिर्फ 51,149 लोगों को वैक्सीन दी गई। वहीं अगर हम अब तक की बात कर लें तो पहले डोज लेने वाले लोगों में 14,14,149 लोगों को जो है पहला डोज दिया गया है। वहीं अगर हम दूसरे डोज की बात कर लें तो 19 मार्च को जो दूसरा डोज दिया गया वह है 9,019 लोगों को जो है दूसरा डोज दिया गया। और अगर हम अब तक के दूसरे डोज लेने वाले व्यक्तियों की बात करें तो उसमें 37,01,539 लोगों को जो है दूसरी डोज की वैक्सीन दी गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिहार में जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो रही है और फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की जो बात कही जा रही थी वो भी बहुत तेज़ी से दी जा रही है। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।